नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2019 के चुनाव परिणाम के बाद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के लिए खुशखबरी लेकर आई है। इस विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी का बिहार की राजनीति में एंट्री हो गई है। यह एंट्री किशनगंज विधानसभा सीट पर हुई है। इस सीट पर AIMIM के उम्मीदवार कमरूल होदा थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार स्वीटी सिंह चुनावी मैदान में थी। मतगणना के शुरुआती रुझानों में स्वीटी सिंह बढ़त बनाए हुए थी। उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार सैदा बानो कुछ समय तक लीड लेती दिखी, उसके बाद वो भी पीछे हो गई। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, कमरूल होदा अपनी बढ़त बनाना शुरू कर दिए थे और शाम होते होते यह बढ़त जीत में बदल गई। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले बीजेपी को हराकर बिहार में अपनी एंट्री मारी है। अब हम जान लेते हैं कि इस उपचुनाव में किसको कितना वोट मिला। बीजेपी उम्मीदवार स्वीटी सिंह को 60,265 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सैदा बानो को 25,285 वोट मिले। AIMIM के उम्मीदवार कमरूल होदा को 70,469 वोट मिले। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार को 35.46% मत पड़े, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को 14.88% मत पड़े और AIMIM उम्मीदवार को 41.46% मिले, जो जीत में तब्दील हो गए। अगर हम AIMIM के बिहार में राजनीतिक सफर को देखें तो यह 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट से बिहार में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। आपको बता दें, किशनगंज सीट मुस्लिम बहुल सीट है। 2009 और 2014 में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद असरारुल हक कासमी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। कासमी साहब के निधन हो जाने के बाद कांग्रेस ने इस सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर जावेद को उम्मीदवार बनाया। जदयू की तरफ से महमूद अशरफ को मैदान में उतारा। ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान इस चुनावी मैदान में थे। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन परिणाम जो आया वह चौंकाने वाला था। ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। अगर हम उस लोकसभा चुनाव में विधानसभा में डाले गए वोट को देखें तो बहादुरगंज और कोचाधामन विधानसभा में और भी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट पड़े थे, जो यह दिखाता है कि किस तरह ओवैसी की पार्टी का किशनगंज में लोकप्रियता थी। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में जहां कांग्रेस को 3,60,017 वोट मिले, दूसरे स्थान पर जदयू के उम्मीदवार को 3,32,500 वोट मिले, जबकि तीसरे उम्मीदवार ओवैसी उम्मीदवार अख्तर ईमान को भी 2,95,029 वोट मिले। ओवैसी की पार्टी का बढ़ता जनाधार बिहार के महागठबंधन को और भी परेशान कर सकता है। आने वाले दिनों में अगर ओवैसी की पार्टी बिहार में अच्छा प्रदर्शन करती है तो बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बुरी खबर है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।